नमस्कार रुटाप देखें पल पल। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ठांडा और सांसद नायाब सिंह सैनी ने कैथल जिला में गांव चंदाना में घर घर जाकर के केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों की जानकारी देते हुए पंपलेट्स वितरित किए। वहीं सांसद नायाब सिंह सैनी ने लोगों को प्रधानमंत्री द्वारा भेजे गए पत्र को सौंपते हुए कहा कि आज केंद्र में और अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णयों को पूरा किया गया। इसके साथ साथ प्रदेश में उचित और प्रभावी निर्णय लेने वाली सरकार है जो आमजन की जरूरतों को समझ करके कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर बना है और आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने धारा 370 जो कि देश के लिए एक कलंक था उसे हटा करके तीव्र गति से और तीव्र विकास के रास्ते खोले। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर लद्दाख को नए केंद्र शासित प्रदेश भी बनाए। नागरिकता संशोधन बिल लाकर के अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना का कारण बने भारत से आए हिंदू सिख बौद्ध जैन और पारसी तथा ईसाई समुदाय के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट कैथल से नवीन मल्होत्रा के साथ। कार्य किए हैं इसके माध्यम से हमने एक साल के अंदर या पिछली 6 साल की सरकार रही है उसके अंदर जो जो भी कार्य किए हैं ऐतिहासिक निर्णय जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिए हैं जो कार्य किए उपलब्धि हैं उनको लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। लगभग हरियाणा के अंदर हम 10 लाख परिवारों के अंदर ये जाएंगे पूरे देश के अंदर, क्योंकि पूरे देश के अंदर जो वर्चुअल रैली हैं उसके माध्यम से आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी और हमारे और भी मंत्रीगण उसके अंदर लगे हुए हैं अपनी सरकार की जो कार्य किए उसके बारे में जनता को बता रहे हैं कि हमने एक साल के अंदर क्या कार्य किए उसके बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। इस पंपलेट के माध्यम से भी जो हमने एक साल में कार्य किए हैं, एक साल की उपलब्धि है और ये 6 साल नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल हुआ, ये मोदी सरकार 2 है और उसके अंदर जितनी भी हमारी उपलब्धियाँ रही उनके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। उसको लेकर के आज हम यहाँ पर आए, हमारी कार्यकर्ताओं की पूरी यहाँ चंदाना गांव के अंदर टीम है और उस टीम के अंदर हमारी जो यहाँ से विधायक हैं कमलेश डांडा जी और हरियाणा सरकार के अंदर राज्य मंत्री हैं वो भी यहाँ पर आई हैं और कार्यकर्ताओं के माध्यम से हर घर तक ये मैसेज जाएगा, ये बात जाएगी। ये खुला पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिखा है वो पत्र भी हर घर के अंदर पहुंचाने का काम हमारा कार्यकर्ता करेगा। आज इस चंदाना गांव के अंदर हम आए हैं और इसकी यहां से हमने शुरुआत की। सर एक प्रदेश हमारा संगठन तय करता है जिसको भी बनाएगा वो बनेगा। ठीक है। समस्याएं पैदा हुई थी और उन समस्याओं का समाधान इस मोदी सरकार 2 के अंदर यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और उसके अंदर जो भी कार्य किए चाहे वो धारा 370 का है, चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का है, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा है जो इतने लंबे समय से लंबित पड़ा था और जो विपक्ष इस प्रकार का भय देश के अंदर पैदा करता था कि अगर राम मंदिर का मुद्दा कहीं छेड़ा गया तो देश में पता नहीं क्या हो जाएगा, परंतु
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समस्या का समाधान भी शांतिपूर्वक आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया उस फैसले को लागू किया और शांतिपूर्वक उस समस्या का समाधान निकला। चाहे धारा 370 है, धारा 370 को लेकर के देश के अंदर इस प्रकार की स्थिति पैदा की हुई थी, परंतु देश के अंदर ये टीस थी, लोग चाहते थे कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए। इस समस्या का समाधान भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। चाहे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का या ब्यूरो रिकॉन्ग समझौता है, जो त्रिपुरा और मिजोरम का विषय था, लगभग 34 वर्षों से लटका हुआ था, वो लोकसभा के अंदर भी लाया और उस समस्या का समाधान हुआ है। चाहे बोडो समझौता है, बोडो समझौता के अंदर इतने लंबे समय से असम के अंदर एक गंभीर समस्या थी, वो असम सरकार के साथ और केंद्र सरकार ने असम सरकार के साथ बैठ करके और बोडो जो उनके पदाधिकारी थे उनके साथ बैठ करके एक त्रिपक्षीय वार्ता के माध्यम से उस समस्या का समाधान किया है। ऐसी ऐसी समस्याएं जो बहुत लंबे समय से देश के अंदर पनप रही थी, जिनका बहुत नुकसान इस देश को हो रहा था, देश के विकास को हो रहा था, उस सभी समस्याओं का समाधान इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस एक साल के मोदी 2 सरकार के अंदर उन समस्याओं का समाधान किया और उसके लिए आज जो और भी कार्य किए हैं इसके माध्यम से हमने एक साल के अंदर या पिछली 6 साल की सरकार रही है उसके अंदर जो जो भी कार्य किए हैं, ऐतिहासिक निर्णय जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिए हैं, जो कार्य किए, उपलब्धि हैं, उनको लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। लगभग हरियाणा के अंदर हम 10 लाख परिवारों के अंदर ये जाएंगे पूरे देश के अंदर, क्योंकि पूरे देश के अंदर जो वर्चुअल रैली हैं उसके माध्यम से आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी और हमारे और भी मंत्रीगण उसके अंदर लगे हुए हैं, अपनी सरकार की जो कार्य किए उसके बारे में जनता को बता रहे हैं कि हमने एक साल के अंदर क्या कार्य किए उसके बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। इस पंपलेट के माध्यम से भी जो हमने एक साल में कार्य किए हैं, एक साल की उपलब्धि है और ये 6 साल नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल हुआ, ये मोदी सरकार 2 है और उसके अंदर जितनी भी हमारी उपलब्धियाँ रही उनके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। उसको लेकर के आज हम यहाँ पर आए, हमारी कार्यकर्ताओं की पूरी यहाँ चंदाना गांव के अंदर टीम है और उस टीम के अंदर हमारी जो यहाँ से विधायिका हैं कमलेश डांडा जी और हरियाणा सरकार के अंदर राज्य मंत्री हैं वो भी यहाँ पर आई हैं और कार्यकर्ताओं के माध्यम से हर घर तक ये मैसेज जाएगा, ये बात जाएगी, ये खुला पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिखा है वो पत्र भी हर घर के अंदर पहुंचाने का काम हमारा कार्यकर्ता करेगा। आज इस चंदाना गांव के अंदर हम आए हैं और इसकी यहां से हमने शुरुआत की। सर एक प्रदेश हमारा संगठन तय करता है, जिसको भी बनाएगा वो बनेगा। ठीक है।